हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ वॉल डेकोर डीआईवाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ साइज शीट ली है, उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर ली है एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर ली है। पहले इसको अपन 8 पार्ट्स में मार्क कर लेंगे। फिर 6 पीसेस को कट कर लेंगे और 2 को कट नहीं करेंगे। फिर कर्व बनाने के लिए मैंने एक ढक्कन यूज़ किया है, उसको एक पार्ट ऑफ शीट में रख कर पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ड्रॉ करके दोनों साइड कट कर लेंगे और दूसरे साइड उल्टा कर्व ड्रॉ करके कट कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। कंटेनर शेप जैसा दिखेगा आपको। फिर जो ये एक पीस कट किया है उसी को बाकी 6 शीट्स में ऊपर रख के उसको ड्रॉ करके फिर बाकी 6 शीट्स को भी ऐसे ही कट कर लेना है। फिर मैंने ऑयल पेस्टल कलर यूज़ किया है, आप भी अपने हिसाब से आपको जो कलर सही लग रहा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन जो कलर यूज़ करे हैं उन सभी को अप्लाई करके टिश्यू पेपर से उस कलर को ब्लेंड कर लेंगे। एंड सॉरी, बहुत दिनों से क्राफ्ट की लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो उतने अच्छे से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि ना मेरी फुल वीडियोस आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो सॉरी फॉर दैट। Thank you.
बाद सारे शीट्स कलर कर लेने के बाद अब फिर वाइट अक्रैलिक कलर में स्पॉन्ज को डिप करके जिन पेपर को कलर किया है उसमें हल्के हल्के से टैप करेंगे। इसी तरह सारे कलर शीट में करेंगे जो भी सात छः पीसेस बनाए थे और जो एक बड़ा सा सात पीस वाला सातवा वाला है शीट उसको भी कलर कर लेंगे। ऐसे ही सारे शीट्स में कलर कर लेने के बाद फिर ये मेरे पास एक थिक कार्डबोर्ड का पीस पड़ा हुआ था तो मैंने जितने शीट रेडी किए हैं उन सबको इसके ऊपर रख कर मेज़रमेंट लेके इसको कट कर लेंगे और फिर ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे। ये या फिर कैची से कट जाएगा, लेकिन अगर कुछ साइड कैची से नहीं कट हो रहा है तो आप नाइफ यूज़ कर लेना। फिर आपको जो भी अफर्मेशंस अच्छे लगते हों, जो भी आपको बहुत हिट करता हो, तो फिर आप उसको आप लिख लीजिए इसके ऊपर। साइड में ब्लैक कलर थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद मैंने जूट रोप लिया है और उसको दो राउंड घुमाने के बाद बांध लिया है अच्छे से। ठीक इसी प्रकार मुझे जो जो लिखना था, जो जो अफर्मेशंस मुझे लिखने थे, वो मैंने बाकी सारे सात शीट बनाए थे उसमें लिख करके फिर ऐसे ही अप्लाई करके कलर और जूट रोप को बांध कर रेडी किया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। Thank you.
से ब्लैक एक्रेलिक कलर ब्रश यूज़ करके भी लिख सकते हो, या फिर आप स्केच जो मोटा वाला आता है ब्लैक कलर का, आप उससे भी लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन भी यूज़ किए थे, मेरे पास पड़े हुए थे, वही मैंने इसको भी यूज़ कर लिए। आप भी ऐसे ही, या फिर आप नॉर्मल रख लो, या फिर आप एक्रेलिक कलर से ही स्टोन टाइप ड्रॉ कर सकते हैं। और वही प्रोसेस से जूट रोप को बांध लेना है, वही सब करके आपको ये DIY आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कैसे वॉल में स्टिक करना है ये भी बताया गया है। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। सारे पीसेस को रेडी करने के बाद मैंने मास्किंग टेप लिया है और उसको वीडियो में दिखाया गया है कैसे स्टिक करना है। आपको भी ऐसे स्टिक करके वॉल पे चिपका देना है तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये इजीली गिरता भी नहीं है वॉल से। डबल साइडेड टेप यूज़ करेंगे तो वो गिर सकता है। अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।